दोस्तों आज हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ नॉर्मल संख्याओं को कैसे निकालते हैं, फिर देखेंगे हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, फिर देखेंगे दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और लास्ट में देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के रिलेटेड जो प्रमेय होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं 6, 8 और 16। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ये तीन संख्याएं दी हुई है तो वह सबसे छोटी संख्या जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता हो तो वो होगा उसका एलसीएम। तो इन तीनों वह कौन सी संख्या होगी जिसमें तीनों का भाग जाएगा, तो वह होगी 48, ये इसका एलसीएम होगा। और एचसीएफ होगा क्या, एचसीएफ होता है वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें जिसका इन तीनों संख्याओं में भाग जाता हो, तो इसमें क्या हो जाएगी कॉमन 6, 8 और 16 में क्या होगा, दो का भाग इन तीनों में जाता तो कॉमन फैक्टर क्या होगा इन दोनों का, तीनों का 2। तो ये कैसे निकालते हैं इसका हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को लिख लेंगे 6, 8, 16। तो सबसे पहले देखेंगे हम दो का भाग देने पर कितना आएगा, 3, 4, 8, 2, 16। फिर देंगे 2 का भाग, 3, 2, 4। फिर 2 का, 3, 2, 2। फिर 2 का देंगे तो 3, 1, 1। फिर 3 का देंगे तो 1, 1 और 1। ये जब तक भाग देना है जब तक यहाँ पर 1, 1, 1 नहीं आ जाता। तो फिर यहाँ से देखो ये कितनी बार आया है, ये होगा एलसीएम। एलसीएम होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 और 16 × 3 = 48। तो 48 का क्या आ जाएगा एलसीएम। अब हम देखेंगे इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग लिख लेंगे। तो 6 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 का भाग देते हैं सबसे पहले, तो आएगा 3, फिर 3 का तो 1। फिर 8 में देखेंगे 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का 2, 2 और 1। फिर 16 में 2 का देंगे तो 8 बार, फिर 2 का देंगे तो 4 बार, फिर 2 का देंगे तो 2 बार, फिर 2 का देंगे तो 1 बार। तो ये सब इनके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब इन सब में हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर इन सब में क्या हो जाएगा, तो इसमें 2 एक बार आ रहा है, इसमें 2 एक बार आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो एक तो हो जाएगा 2 और 1। अब 2 इसमें एक बार ही आ रहा है, बाकी सब में ज़्यादा आ रहा है, तो और 3 इसी 1 में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो केवल कॉमन फैक्टर है वो 2 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ होगा कॉमन फैक्टर। इस प्रकार से निकालते हैं। अब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं 15, 25 और 30। दोस्तों एक बार ध्यान रखें, अगर हमको केवल एलसीएम दिखा तो इन तीनों का एक साथ भी हम निकाल सकते हैं, और एचसीएफ पूछा तो हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो अगर हम दोनों ही पूछा तो हम अलग अलग निकालेंगे ताकि दोनों में एलसीएम और एचसीएफ में काम आ जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं 15 का फैक्टर, 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 5, फिर 1। फिर निकालेंगे हम 25 का, 25 में जाएगा 5 का, 5, 5 और 1। फिर निकाल लेते हैं हम 30 का, 30 में कितने का जाएगा, 2 का, हो जाएगा 15 बार, फिर 3 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। तो ये क्या हो गए, इनके फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर हो गए 3 × 5, इसके हो गए 5 × 5, और इसके हो गए 2 × 3 ×
पाँच। अब हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम, जितने कॉमन कॉमन आ रहा है वो तो एक बार लिखेंगे। जैसे तीन इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो तीन को लिखेंगे हम एक बार। फिर पाँच इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसको भी लिखेंगे एक बार। तीन पाँच आ गए, तो इसमें पाँच पाँच कितने बार, दो बार है, लेकिन इसमें एक बार पाँच हम ऑलरेडी गिन चुके हैं, तो इसको भी एक बार पाँच हमें लिखना पड़ेगा, और एक बार हमको दो लिखना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, पाँच तेरी 15 और 10, यह आ जाएगा 150। 150 क्या आ जाएगा, एलसीएम 150 वे सबसे छोटी संख्या है जिसमें 15 का भी भाग जाता है, 25 का भी जाता है और 30 का भी जाता है। अब हम एलसीएम निकालेंगे। इसमें एलसीएम में एक बात ध्यान रखें दोस्तों, कि जो कॉमन आ रहा है उसको एक ही बार लिखना है। जैसे पांच तीनों में कॉमन आ रहा है, तो ये पांच, एक, ये और ये कॉमन आ रहा है, तो इस पांच को एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको पूरे को लिखना है। तो तीन नहीं आ रहा, तीन लिख दिया, ये पांच कॉमन नहीं आ रहा, पांच लिख दिया, और ये दो कॉमन नहीं आ रहा, दो लिख दिया। जो और जो ये कॉमन आ रहा है वो एक ही बार लिखना है। अब निकालना है हमको एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है वही इसका एचसीएफ होगा। कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो पाँच आ रहा है, तो ये तो हो गया एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा पाँच। तो पाँच वह सबसे बड़ी संख्या है जिसका इन तीनों में भाग जाता हो। दोस्तों अब हम देखेंगे बिनों का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो बिन जो होती है 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, इस टाइप की जो बिनें होती हैं वो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अंश का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अंश का एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएम। इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसलिए हम देखेंगे कि जिसका निकालना है वो लिखेंगे अंश में, यानी कि एचसीएफ निकालना था अंश का तो एचसीएफ आएगा, और अगर एलसीएम निकालना था अंश का एलसीएफ आएगा। एलसीएम मतलब जो निकालना है वो अंश अंश के साथ में आएगा, और हर में जो आएगा वो एचसीएफ में एलसीएम का आएगा, और एलसीएम में एचसीएफ का आएगा, यानी कि उल्टा आएगा। तब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं 2/5, 4/15 और 6/5। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या करेंगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे। अंश कौन सा है, 2, 4, 6, इनका एलसीएम, इनका एलसीएम क्या होगा, 2, 4, 6 का यह सबसे छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाता हूँ। दोनों 12, 12 में 6 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है, और सबसे छोटी संख्या यही है। तो एलसीएम हर अंश का एलसीएम क्या हो गया, 12 अपॉन में हर का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, 5, 15, 5। इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में भाग जाता हो, तो वह होगी 5। तीनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5। और अगर आपको सीधा नहीं निकालना आ रहा तो आप वो फैक्टर करके भी निकाल सकते हो अलग से। तो इसका एलसीएम हो गया 12/5। और एचसीएफ निकालना, अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अंश का एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि 2, 4, 6 का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 का सभी में भाग जा रहा है, तो 2 होगा। और हर का एलसीएम निकालना, तो हर का एलसीएम यानी कि 5, 15, 5, इनका एलसीएम क्या होगा भैया, सबसे छोटी संख्या तो 15 खुद ही होगा, क्योंकि 15 में 5 का भी जा रहा है और 15 का भी जा रहा है, तो 2/15 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा।
अब हम देखेंगे दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल समझते हैं 0.3, 0.9, 0.12। तो सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे, दशमलव वाले जितने भी आता है उसको सबको बिनों में बदलेंगे हम। 3/10, एक पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद एक संख्या तो 10 आएगा, 9/10, और पॉइंट के बाद दो संख्या है तो दो संख्या जब पॉइंट हटाते हैं तो 100 आएगा। अब हम इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमको संख्या को आपस में काटना, अगर कट रही है तो 3 से 10 नहीं कट रहा, यानी कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए इसमें। 9/10 नहीं कट रहा तो 12/100 कट रहा है किसे, 4 से। 3 बार 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 100 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो ये बिन क्या हो जाएगी, 3/25, यानी कि सरल बिन में बदलना है इसको। तब हो जाएगी अपने पास 3/10, 9/10 और 3/25। तो ये क्या बन गया, बिन बन गया। तो अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो बिनों में लगाया था, यानी कि इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम क्या आ जाएगा, 9, क्योंकि 9 में दिनों का भाग जा रहा है, और अपॉन में एचसीएफ 25, 10, 10 का एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर 5। ये ऐसे निकाल सकते हो, 3 और ये 9 और ये 3, इन सबको सॉल्व करोगे तो ये 9 ही आएगा। और एचसीएफ भी इसी प्रकार से फैक्टर करके आप निकाल सकते हो। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंश का, तो एचसीएफ अंश का क्या लेंगे, एचसीएफ 3, 9, 9 का एचसीएफ क्या आएगा, कॉमन फैक्टर 3 है जिसका तीनों में भाग जा रहा है। और हर का लेंगे हम एलसीएफ, एलसीएम 25, 10, 10, वे कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें तीनों का भाग जा रहा है, 50 में देखो 10 का भी जा रहा है और 25 का भी जा रहा है, तो यह आ जाएगा 50। तो एलसीएम और एचसीएफ हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम एक और एग्जांपल समझते हैं जो थोड़ा टफ है दोस्तों। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि वह हम एग्जांपल लेते हैं 0.4 बार 0.6 बार का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, 0.4 बार का मतलब है 0.4444 इस प्रकार इन्फिनिटी तक, जो 4 है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, यानी कि बिन के रूप में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम जब नॉर्मल 0.4 होता है तो हम पॉइंट हटा के 10 लिख देते हैं, लेकिन 0.4 के ऊपर बार आ गया तो इसको हटाने के लिए हम पॉइंट हटाएंगे, तो आ जाएगा 0.4 upon 9। ये आपको याद रखना है। और ये कैसा आएगा अभी बताता हूँ। मान लेते हैं हम x इज इक्वल टू 0.4 बार, तो x इक्वल टू आ जाएगा 0.4444 इस प्रकार के इन्फिनिटी का। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे टू 10, तो ये आ जाएगा 10x इक्वल टू, इधर आ जाएगा 4.4444 इन्फिनिटी तक। इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2-1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10x माइनस x, इधर आ जाएगा 4.4 बार माइनस 0.4 बार, तो यहाँ आ जाएगा 9x इक्वल टू, इधर आ जाएगा 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4/9। तो ये इस प्रकार से आता है, जिसको हम डायरेक्ट याद रख लेंगे कि जब भी किसी भी संख्या के ऊपर बार आ रहा हो तो पॉइंट हटाने के बाद में
9 आएगा। इसी प्रकार से जब 6 का पॉइंट हटाएंगे 6 बार का, तो नीचे में क्या आ जाएगा, 9 आएगा। और दो संख्याओं का हटाना है, जैसे कि मान लो पॉइंट 4 का बार है, तो इसमें नीचे क्या आ जाएगा, 19/2 आ जाएगा, यानी कि 99 आएगा। और इसी प्रकार से जब देख लो तुम 0.63 का बार है, तो इसको हटाने पर भी 99 आएगा। अगर ये बार नहीं होता तो 100 होता। अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं। तो अब ये इसको हम क्या लिख देंगे, 4/9 और 6/9, ये एक भिन्न हो गई। इसका हम एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम अंश का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6/4 = 12, और नीचे वाले का एचसीएफ हो जाएगा 9। और स्कोर सिंपलीफाई कर दोगे आगे तो 4 और 3, यानी कि 4/3 जो होगा इसका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ निकालने के क्या करेंगे, एचसीएफ, इसके लिए हम अंश का है वो एचसीएफ निकालेंगे। 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, 2, और एलसीएम कितना होगा, हर का, नीचे क्या लिखेंगे, हर का एलसीएम, हर का एलसीएम होगा 9, तो 2/9 एचसीएफ हो गया। तो ये फाइनल आंसर इसका। अब हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ प्रमेय होते हैं, यानी कि पहले हम देखते हैं कि एलसीएम के अंदर जो है वो एचसीएफ का भाग जो है वो पूरा जाता है, यानी कि एलसीएम के अंदर एचसीएफ का भाग पूरा जाता है, शेषफल 0 रहता है। और दूसरा नंबर प्रमेय है कि किसी भी दो संख्याओं को गुणा करने पर जो मान उसका आता है वो उसके उन दोनों संख्याओं के एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर आता है, यानी कि हमको एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और एक संख्या दी हुई है, तो दूसरी संख्या निकालनी रहती है। इस टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके द्वारा समझेंगे। इनकी दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम है वो 30 है और एचसीएफ है जो 5, और एक संख्या का मान हमें दिया हुआ है 10 और दूसरी संख्या है जो हमें निकालनी होती है। तो इसका जो प्रमेय होता है, यानी कि a इंटू बी इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो a कितना है, 10 इंटू बी इक्वल टू कितना होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि 30 × 5, तो b इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये 10 से 30 तीन बार गया, 5 × 3 = 15, तो b जो आएगा वो 15 आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो एक कहानी के रूप में आते हैं और हमें पहचानने होते हैं कि ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन ये है कि वे संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 7, 8 का भाग देने पर शेषफल 1 आता हो। यानी कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, एक कहानी के रूप में दिए होते हैं, उसमें हमको एक संख्या बतानी होती है जिसमें 3 संख्याओं का भाग या 4 संख्याओं का भाग देना होता है, और शेषफल में 1, 2, 3 या कितना भी रहता है वो बताना होता है। तो इसमें हम इस प्रकार से निकालते हैं कि उस संख्या जो होती है वो बराबर होती है जितनी भी संख्या दी हुई है उनका एलसीएम प्लस में जो शेषफल दिया हुआ है उसके बराबर होगी। तो इसमें हमें 4, 7 और 8 का एलसीएम निकालना है, 4, 7 और 8 का, इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2, 7
चार, फिर दो करेंगे एक सात, दो दो करेंगे तो एक सात और एक, फिर सात करेंगे तो एक एक एक, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, दो दून चार, दून आठ और आठ इंटू सात छप्पन, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 56। और प्लस क्या करना है हमको, सेंसफल, तो इस संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो एलसीएम होगा 56 + 1 यानी कि कितना आएगा 57। तो 57 है वो संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग देने पर सेंसफल बनाएगा, और ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें आएगा, और सब इसमें बहुत सारी संख्या आएंगी ऐसी जिसमें मतलब हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, एलसीएम 56 में एक है ये, इसे दो के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसमें 56 × 2 + 1 भी आएगा, 3 + 1 4 + 1, यानी कि इसमें जितने भी कितने भी संख्या से 56 को हम गुणा करके लिखेंगे और प्लस वन करेंगे तो वह संख्याएँ आएगी, उसमें सेंसफल 1 बचेगा, लेकिन सबसे छोटी संख्या होगी वो एलसीएम प्लस सेंसफल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।